खाने में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कमी से कई बार आपके दांतों में या मसूड़ों में परेशानी हो सकती है। इनमें एक सबसे खास पदार्थ है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर आपके खाद्य पदार्थों में कमी है तो उससे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना या मसूड़ों में कमजोरी महसूस करने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सबसे शुरुआती अंदेशा आपको तब मिलता है जब आप ब्रश करते हुए अपने ब्रश पे या ब्रश करने के बाद कुल्ला करते वक्त उसमें खून की कुछ कतारें आप नोटिस करें। इसके अलावा कई बार कुछ कड़ी चीज़ों पे चबाने या काटने के दौरान आपको अपने खून के या रक्त के ट्रेसेस दिखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि शायद मसूड़ों से खून आ रहा है और उनमें कमजोरी है। अगर ऐसी कोई बात है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप अपने दंत चिकित्सक से मिलें और इस बीमारी के कारण को समझने की कोशिश करें। वैसे विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत हैं उनमें कई हरी सब्जियां और कुछ ऐसे फल जिनमें जैसे खास करके वो फल जिनमें थोड़ी खटास होती है जैसे संतरे, आंवले, इनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छे मात्राओं में पाई जाती है। इसके अलावा ये एक कॉमन धारणा है कि अगर दांत कमज़ोर हैं तो क्या हम कैल्शियम खा के दांतों को मजबूत कर सकते हैं। इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैल्शियम अपने मतलब जीवन काल में कैल्शियम का सेवन करने से दांतों पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दांत में जो कैल्शियम है या नहीं है तो इन सारी चीज़ों का निर्णय आपकी आप कई बार आपके जीवन शुरू होने के पहले जब आप अपने माता के गर्भ में होते हैं तब या पैदा होने के कुछ सालों के अंदर ही इसका निर्णय हो जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि 40 या 50 की उम्र में हम कुछ कैल्शियम की गोलियां खा के अपने दांतों को मजबूत कर सकते हैं तो ये एक बिल्कुल गलत धारणा है।